जम्मू कश्मीर में कर्नल मेजर समेत 8 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की है। घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बुधवार को पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगपोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। हिजबुल कमांडर रियाज नाइको को घेर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक रियाज नाइको और PSO को घेर लिया गया। साथ ही दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। मौके पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीम भी पहुंच गई और आसपास के इलाकों को घेर लिया गया है। इंडियन प्राइम न्यूज को मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस सेना की 55 RR और CRPF की एक संयुक्त टीम ने बेगपुरा में मंगलवार रात कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उस पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर की पुष्टि भी की। सूत्रों के अनुसार 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका भी है, जिसमें टॉप हिजबुल कमांडर रियाज नाइको भी शामिल हैं। 8 घंटे के अंतराल में अवंतीपोरा में यह लगातार दूसरी मुठभेड़ है। इसके अलावा अवंतीपोरा के सरसाली में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद मंगलवार रात से यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से पूरी फायरिंग जारी रही। बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। वहीं इस वक्त पुलवामा के ही पंपोर इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर रखा है। मंगलवार देर शाम ही सुरक्षा बलों को एक स्थान पर आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।